दिसंबर 2018 में जब विधानसभा के चुनाव हुए थे उस चुनाव के दौरान मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी। सरकार लगभग एक वर्ष चली और फिर गत वर्ष मार्च 2020 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में बनी है। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं गत वर्ष जो कोरोना के कारण पिछले 3 से 4 महीने तक जो लॉकडाउन की स्थिति बनी तो प्रदेश में जो महामारी का संकट फैला था उस संकट के दौर में ही माननीय शिवराज जी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। और उस दौरान मध्य प्रदेश को जिन हालातों से उन्होंने स्वास्थ्य कर्मी और समाज सेवी और प्रदेश की जनता के सहयोग से जिस प्रकार से संकट से उभरने का जो काम किया प्रदेश की सरकार ने वह हम सभी लोग जानते हैं। उसके बाद जैसे जैसे ये दौर गुजरता गया प्रदेश की सरकार ने उस संकट काल में प्रदेश में जो निर्माण कार्य होना थे मूलभूत जो काम होना था उसके लिए भी अपना कदम बढ़ाया। उसी कड़ी में हमारा सलावत नगर में प्रधानमंत्री आवास के अंतर्गत लगभग 800 परिवारों को मकान बनाने के लिए जो किस्तें लाई थी उनके किस्तें वो मकान लगभग जो प्रथम स्टेट के थे बनकर तैयार हैं। इसी प्रकार जो हमारा जवाहर रोड आप सबको पता हो जवाहर रोड अधूरा था, जो जवाहर रोड को पूरा करवाने में उसको जो डिवाइडर वगैरह बना है नगर का जो मुख्य मार्ग उसको सौंदर्यीकरण करने में भी मध्य प्रदेश सरकार की भूमिका रही है। ऐसे हमारे नगर के जो मुख्य नाले हैं आप लोग सभी जानते हैं कि हमारे इंदौर खंडवा हो रहे जो पिछले दिनों माननीय सांसद महोदय के द्वारा उसको मरम्मत के लिए स्वीकृत करवा रहा। शहरी क्षेत्र में दोनों तरफ नाले बनाने के नाले का जो प्रस्ताव था नेशनल हाईवे द्वारा उस काम को नगर पालिका सनावत द्वारा पूरा किया जा रहा है।